परिक्रमा करते करते हम लोग राजस्थान में आ गए। संतोष जी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मथुरा और अभी हो रहा है 8 बज रहे हैं। सुबह सुबह उठ गए हैं द्वारकाधीश टेम्पल जाने के लिए और ये हमारी रिक्शा टेम्पो तैयार हो गई है, इसमें बैठिए हम लोग जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत गली होता है वहाँ पे, कार नहीं जा सकता, तो इसलिए टेम्पो पे बैठ कर जाते हैं। अगर वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड रहेगा तो दिखाऊंगा, नहीं रिकॉर्ड अलाउड रहेगा तो नहीं। मथुरा टेम्पल देख लिया है, अब कृष्ण जन्म स्थान में आए जहाँ पर कृष्णा जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर हम काफ़ी अच्छा मंदिर दिख रहा है, वो काफ़ी मतलब गलियों में ही है, तो आप कार ना लेके आइएगा, अपनी छोटी छोटी टेम्पो या रिक्शा में आइएगा, ऐसे हम लोग आए। सुबह का टाइम है तो अच्छा ठंडी हवा चल रही है, तो वहाँ पर है वहाँ पर कहीं तो चलो चलते हैं आगे। यस, दोनों मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 11, हम लोग का 12 बजे चेकआउट है और चेकआउट करके हम लोग को निकलना है वृंदावन के लिए। बट वृंदावन जाने से पहले हम लोग थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, खाली पेट गए थे दर्शन करने के लिए। नाश्ता ऑर्डर किया है, वो आएगा, खाएंगे, सब पैकिंग करेंगे एंड देन यहाँ से चेकआउट करके वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। सेम डे आज हम लोग नोएडा भी निकल जाएंगे। मथुरा के बाद हम लोग आ चुके हैं वृंदावन में। वृंदावन में आपको देखने मिलेगा प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, श्री बांके बिहारी लाल का मंदिर और काफ़ी एक दो मंदिर है, तो हम लोग आज उसको कवर करेंगे एंड कवर करने के बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली नोएडा के लिए। हम लोग को लगा ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा मथुरा से वृंदावन पहुँचने में, ज़्यादा दूर नहीं है। कार लेके आए, कार यहाँ पर पार्क्ड कर दी है एंड बंदर आ रहा है भाई, भागना पड़ेगा। बंदर जो है ना, वो फ़ोन खाना आपका सब छीन छान के भाग जाएगा और यहाँ बहुत बंदर है, तो आप उससे संभाल के रहिएगा। तो चलो थोड़ा एक हम लोग ने रूम यहाँ पर लिया है, वहाँ पे सिर्फ हम लोग फ्रेश होंगे, हॉल्ट नहीं करेंगे। होटल में रूम लिया है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेश होंगे, हॉल्ट नहीं करेंगे और यहाँ से सिर्फ सीधा देन सब होने के बाद हम लोग दिल्ली निकलेंगे। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं गोवर्धन, जहाँ पर आपको पता होगा कि कृष्णा जी ने जो पूरा पहाड़ एक अपने उंगली से, काली उंगली से उठाया था, वहाँ पर हम लोग आए हैं। ये ऑलमोस्ट मतलब जो राजस्थान है उसके बॉर्डर तक पहुँच जाता है, तो यूपी और राजस्थान तक हम लोग पहुँच चुके हैं। बट वृंदावन से ये अराउंड 20-21 किलोमीटर हम लोग कार से आए हैं यहाँ पर। एंड अभी हम लोग ले रहे हैं ये वाली फिर से रिक्शा, जो कि उसके आगे रिक्शा ही जाती है, इलेक्ट्रिक वाली या टेम्पो वाली कुछ भी ले लो, ये हमको पूरा परिक्रमा कराएगी। और जो भी अपना परिक्रमा है गोवर्धन का और राधे कुंड है, राधा कुंड है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, वो सब दिखाऊंगा। सो रिक्शा से उतर गए अभी और थोड़ा सा यहाँ पर वॉक करना है, ऐसे गली टाइप है सामने, थोड़ा सा वॉक करने के बाद हमें पर्वत दिख जाएगा, गोवर्धन पर्वत। यहाँ से लेकर वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पर्वत है और ये पर्वत देखने में तो छोटा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और इसे ऋषि मुनि का श्राप लगा था कि ये हर साल एक तिल होता है ना, तिल के टुकड़े के जितना ये धरती के नीचे जाता है। अब श्राप क्यों लगा था वो मुझे तो नहीं पता, बट हाँ यहाँ पर बंदर भी बहुत है, मुझे डर लग रहा है लोग कैमरा वैमरा भी मेरा छीन के ले जा सकते हैं। और इसके ऊपर हमें क्लाइम नहीं करना है क्योंकि होली पहाड़ आपको पहले ही बताया था मैंने। इमेजिन कर सकते हो कि इस तरीके से उठाया था कृष्णा जी ने अपने एक कानी उंगली से ये पूरे ब्रिजवासी को बचाने के लिए, कि वो यहाँ पर ग्वाल पालों को बचाने के लिए। और कितना किलोमीटर हो गया हमारा, 21 किलोमीटर में आधा हो चुका है, 21 किलोमीटर में से आधा और बचा है। लस्सी वाली पेशल वाला 4000 की चट्टी, 56000 के वाला, 56 के सीढ़ी वाला, बोरी वाली लस्सी वाला। ब्यूटीफुल प्रेम मंदिर है और यहाँ ये मंदिर में कृष्णा जी और राधा जी
का रासलीला होता था और प्रेम होता था। वाइड एंगल से काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं आपको नॉर्मल फ़ोन से दिखाता तो अच्छा लगेगा। सो इट्स 9:42 और हम निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा फिर से मेरे भाई के घर पे, क्योंकि हमारा हो चुका है वृंदावन मथुरा का सब कुछ। मैंने लास्ट आपको दिखाया था प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के बाद हम लोग ने किया अपना डिनर, और डिनर करने के बाद अब सीधा गाड़ी लेके हम निकलने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी बट मज़ा आने वाला है। चलो सो वी हैव रीच और मैं लिफ्ट में हूँ, और काफ़ी ज़्यादा सही सफ़र था। 12 बज रहा है अभी और मेरे आगे पीछे सब कुछ बैग आगे पीछे है। 10th फ्लोर पे पहुँच गया, 16th फ्लोर पे फ्लैट है। आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कल का वीडियो अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग दिल्ली घूमने वाले हैं। सबको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय।